हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन कर रहे हैं क्लास 11 का। ओके, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हमने पोटेंशियल एनर्जी को पहले ही समझा था प्री वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी है जो एक बॉडी के साथ एसोसिएटेड है ड्यू टू इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स शेप और इट्स कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो और उसके भी दो टाइप देख लेते हैं। एक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक पोटेंशियल जो हो जाएगी। तो हम एक टाइप देखने वाले हैं, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। ओके, तो वी हैड डिस्कस अर्लियर द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज बीइंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी एट इट्स गिवन पोजीशन। तो एक पोजीशन पे, सपोज एक हाइट पे ले जाते हो आप बॉडी को, तो उस पर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। ठीक है, अगर एक पार्टिकल पे एक फोर्सेस की वजह से उसकी पोजिशन चेंज होती है तो उस पर जो वर्क डन होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से इस फोर्स लगा के यहाँ ले गया अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, तो मैंने वर्क किया और ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, एज पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जितना मैं वर्क करूँगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस बॉडी में। ठीक है, एज वी हैड डिस्कस अर्लियर, फोर्सेज फॉर विच द वर्क डन इज इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आर द कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं इसकी, कि जो ऐसे फोर्सेज जिसके लिए जो पाथ इंडिपेंडेंट है, ग्रेविटी में आप किसी भी पॉइंट पे ले जाओ, किसी भी पाथ से ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए इस केस में जो फोर्सेस हैं उनको बोलेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इसमें इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे ही वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग आउट ऑफ दिस फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। Consider points close to the surface of Earth at distances from the surface much smaller than the radius of the Earth. ठीक है, तो अर्थ के क्लोज जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, अर्थ के जो पास है, हमने देखा था ना हाइट करीब करीब 5% हाइट डिक्रीज तक होता है। ठीक है, तो हम वहाँ तक मान सकते हैं, हम उससे भी क्लोजर बात बात कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो जी है इसको हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, ये वेरी नहीं करेगा। ओके, नाउ इन सच केसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रैक्टिकली ए कॉन्स्टेंट इक्वल टू mg डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसमें जो कॉन्स्टेंट है हमें पता है वेट डाउन टूवर्ड्स द अर्थ लगता है। इफ यू कंसिडर अ पॉइंट एट अ हाइट h1 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड अनदर पॉइंट वर्टिकली अबाउ इट एट अ हाइट h2 फ्रॉम द सर्फेस, द वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड पॉइंट नोट बाई w12। अब देखो क्या किया हमने, ये सर्फेस है, सर्फेस पे इसको बोल रहा हूँ मैं h1 हाइट है। ठीक है, h1 इफ यू कंसिडर अ पॉइंट रहता है फ्रॉम द सर्फेस h1 हाइट पे, यहाँ पर एक पॉइंट पे ये पार्टिकल है, यहाँ से हम कहाँ ले गए, h2 हाइट पे ले गए, ये h2 हाइट पे पार्टिकल को h1 हाइट से h2 हाइट पे ले गए, तो वर्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखो इसका वेट कितना है, mg8 वेट है इसका, mg8 वेट सॉरी एम जी इसका वेट है, इसका वेट कितना है, मास एम है तो वेट इतना लग रहा है, तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना जितना डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब h2 - h1, इतना वर्क करना पड़ेगा 1 से 2 ले जाने में। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, इसलिए अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, उस केस में उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज, हम वो नहीं चाहते, हम वो ओनली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ वी एसोसिएट अ पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू एच एट अ पॉइंट एट द हाइट एच अबाउट द सर्विस ऑफ दैट, तो हम एच हाइट पे अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी, हम देखो हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को कुछ भी मान सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पोटेंशियल डिफरेंस से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप क्या करो, जैसे सरफेस पे पोटेंशियल को 0 मान लो, कोई बात नहीं, मान सकते हो। ठीक है,
अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकलेगी, या फिर इस पॉइंट पे मान लो सरफेस पे कितना मान लिया आपने, यहाँ पर है 10 पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल आएगी एच पर हाइट पे, तो जितना वर्क यहाँ से सरफेस से यहाँ ले जाने में करोगे +10, ठीक है, +10 आएगी, 10 कॉन्स्टेंट रहेगा। तो किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मांग के वहाँ कितनी भी आप पोटेंशियल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो और इसके बाद वो जो मेन क्या रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि यहाँ मैंने 10 माना था, ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्क डन किया कितना, 20 वर्क किया, यहाँ कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये 10 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मैंने यहाँ माना था, हर जगह 10 10 लेना पड़ेगा, ओके एक्स्ट्रा, ओके तो 30 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, वो मैटर करता है, ये 20 का डिफरेंस है ये मैटर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके। इसके बाद इफ़ यू एसोसिएट अ पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू एच एट अ पॉइंट एट अ हाइट एच ऑफ द सरफेस सच दैट, तो डब्ल्यू एच हाइट एच पे कितनी पोटेंशियल मान ली मैंने, एम जी एच प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट, ये कॉन्स्टेंट मान लिया है मैंने अभी जैसे बताया, और एम जी एच तो मैंने बोला था ना कि जो हाइट पे एच हाइट पे ले जाने पे यहाँ पर देखा था कितना वर्क डन किया सरफेस से इस पॉइंट पे लाने में, कितना वर्क किया मैंने एम जी एच वर्क किया एच हाइट पे लाने में, डब्ल्यू नॉट मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, मान सकते हैं कांस्टेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने बोला मैटर क्या करता है, पोटेंशियल ये डिफरेंस मैटर करता है, और जब डिफरेंस निकालोगे ना तो आप कैंसिल आउट हो गया, देखो अगले आगे किया ये, देन इट इज़ क्लियर दैट डब्ल्यू वन टू वर्क डन कितना आ जाएगा, वन से टू ले जाने में जैसे हमने पीछे देखा था, तो डब्ल्यू एच टू माइनस डब्ल्यू एच वन, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हाइट वन का आगे, अभी मैंने डायग्राम जो बनाया था, ओके जस्ट अ सेकेंड, तो ये है ना यहाँ पर, तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी हाइट पे, किसी भी हाइट पे जो वर्क डन होगा वो कितना है एम जी एच प्लस डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब जब मैं एच वन की बात करूँगा, एच वन में क्या आएगा वर्क डन, एच वन पे वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी एम जी एच वन प्लस डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू टू कितना होगा किसी भी हाइट, तो ये हो जाएगा एम जी एच टू प्लस डब्ल्यू नॉट, ठीक है। तो एच वन से एच टू ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन करूँगा, ठीक है, तो देखो तब जब माइनस करूँगा इनको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम जी एच टू माइनस वन ही आ जाएगा ना, तो वही आया था अभी, यहाँ भी देखा था हमने एम जी एच टू माइनस एच वन। अब देखो इसी को यहाँ डिटेल में समझाया, तब द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इज फाइनल इनिशियल पोजिशन, कितना वर्क किया इन दोनों पॉइंट पर ले जाने पर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टेंट डब्ल्यू नॉट कैंसल आउट इन इक्वेशन 8.22, यही मैंने अभी आपको समझाया, सेटिंग एच इक्वल टू 0 लास्ट इक्वेशन वी गेट डब्ल्यू एच इक्वल 0 डब्ल्यू नॉट, है ना, तो अगर हाइट को एच 0 सेट कर दे डब्ल्यू नॉट, मतलब सरफेस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमने मान ली है डब्ल्यू नॉट, एक कॉन्स्टेंट मान ली, ठीक है, इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, यहाँ 0 मान लेते हैं सरफेस में फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से डिफरेंस की बात करनी है, ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 सेट करना पड़ता है, ओके हर बार, और इसलिए हम क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे, इन्फिनिटी पे 0 सेट करेंगे, ओके। मैटर क्या करता है, डिफरेंस मैटर करता है दो पॉइंट्स का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे उसका कोई मीनिंग नहीं है, दो पॉइंट की होती है, और जब हम जनरली अब आगे बात भी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जैसे किसी पॉइंट पे, तो हम किसी रेफरेंस के हिसाब से बात करेंगे, या आइदर सरफेस और इस चैप्टर में आगे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी में हम 0 मानेंगे, ओके। इफ यू कंसिडर पॉइंट्स एट आर्बिट्री डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द रिजल्ट जस्ट डिराइव इज नॉट वैलिड सिंस द अजम्पशन दैट द ग्रेविटेशन फोर्स एम जी इज कंसिडर्ड नो लॉन्गर वैलिड, ये तो हमने बात की जब पास के पॉइंट थे, ठीक है, जब पास के पॉइंट थे जब ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, जब बहुत दूर जाएंगे हम, ठीक है, हायर डिस्टेंस पे हाइट पे जाएंगे तो वहाँ ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि तब एफ जी कॉन्स्टेंट नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो हावे फ्रॉम अ डिस्कशन वी नो दैट पॉइंट आउट द अर्थ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन द पार्टिकल डायरेक्ट टूवर्ड्स अर्थ सेंटर, है ना, फोर्स कितना होगा किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे हो सरफेस से, तो कितना होगा फोर्स यही होगा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिया हमने, या एम मास ऑफ द बॉडी एम मास ऑफ अर्थ है आर सेंटर से, इन दोनों का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ का, वेयर एम इज मास ऑफ द अर्थ then smallest mass of the particle r is distance from the center of the earth, if we now calculate the work done in lifting a particle from r1 to r1
टू आर टू अलॉन्ग वर्टिकल हाइट वी गेट। अब देखो आर वन से सपोज यहाँ से है ना, पहले क्या किया देखो, स्मॉल वर्क की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाइट, ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट कितने दे, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज आर डिस्टेंस, अर्थ से ये पार्टिकल आर डिस्टेंस पे, यहाँ से स्मॉल ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, डी आर डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ इसको, बहुत छोटा डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जितना मैंने फोर्स लगाया ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना वर्क करना पड़ा, ठीक है, इस स्मॉल डिस्टेंस को मूव करने के लिए, डी आर को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ इसे कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, आर वन से आर टू लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, आर वन से आर टू लाने पर, ठीक है। तो आर वन से आर टू क्या कर दोगे फिर, ठीक है, जैसे कि आर वन, आर वन कोई डिस्टेंस ही यहाँ पर, आर वन से आर टू ले जाने पर, ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ओके, तो बस क्या कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें आर टू आर वन से बड़ा है, आर टू आर वन से बड़ा है, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जस्ट इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, हमने यहाँ इंटीग्रेट कर दिया लिमिट आर वन से आर टू में इसको, ओके। तो क्या आ जाएगा, देखो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जी एम, एम तो कॉन्स्टेंट है, वन अपन आर का स्क्वायर, वन अपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, आर की पावर माइनस टू, उसका इंटीग्रेशन ये प्लस वन और नीचे भी माइनस टू प्लस वन, मतलब आर की पावर माइनस वन और माइनस के साथ ये माइनस बाहर आ गया, और ये लिमिट पुट करेंगे तो वन अपॉन, जब ये था ना वन अपॉन आर आएगा वहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद, इतना बेसिक इंटीग्रेशन है, और लिमिट पुट करेंगे आर टू आर वन, तो वन अपॉन आर टू माइनस आर वन, ठीक है। प्लेस ऑफ इक्वेशन 8.21 वी कैन दस एसोसिएट अ पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू आर एट अ डिस्टेंस आर सच दैट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस इक्वेशन में ये था ना डब्ल्यू एच एम जी एच प्लस डब्ल्यू नॉट, यहाँ पर एम जी एच की जगह क्या पुट कर दो, एम जी की जगह आप क्या, अब जनरल क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का कितना आ गया, जी एम एम अपॉन आर आ गया माइनस, ठीक है। ये किसके लिए था, जब लोअर हाइट के लिए, जब हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि तब जी कांस्टेंट था, अब जनरल हर जगह के लिए ये आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया यहाँ पर, फिर से डब्ल्यू वन जो इसमें वो कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो अगेन वैलिड फॉर आर ग्रेटर देन, आर से ज़्यादा होगा तब भी उसके लिए भी ग्रेट वैलिड है, ठीक है, उसमें वैलिड नहीं था। सो दैट वंस अगेन डब्ल्यू वन इज टू इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टू माइनस डब्ल्यू आर, जैसे यहाँ था ना ये जो यहाँ पर वन टू है ना, वर्क डन वन से टू ले जाने के लिए, ठीक है, जब कितना हो जाएगा, जो वर्क डन एच टू है माइनस जो वर्क डन एच वन हाइट तक ले जाने के लिए, उनका डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे ही तो इवन ये भी बोल सकते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा वन और टू के बीच में कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो एच टू पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो एच वन पे, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ पर भी हम सेम चीज़ बोल सकते हैं, इनका डिफरेंस सेटिंग आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन द लास्ट इक्वेशन वी गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन, आर को अगर इन्फिनिटी सेट कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आर ये तो जीरो हो जाएगा फिर, तो डब्ल्यू आर डब्ल्यू वन के इक्वल हो जाएगा, वी दस डब्ल्यू वन इज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो डब्ल्यू वन पोटेंशियल जी कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ओके। और हम क्या करेंगे, देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले ही बताई थी आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वन शुड नोट दैट ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट हैज अ डेफिनेट मीनिंग फ्रॉम इक्वेशन 8.22 एंड 8.24, ठीक है। तो डिफरेंस मैटर करता है, जैसे आप किसी भी पॉइंट को जीरो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैटर क्या करता है, जो दूसरा उसका दूसरे पॉइंट से, हम जब पोटेंशियली डिफरेंस की बात करते हैं, जब मैं बस बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं 20 बोल रहा हूँ, तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये किसी और की पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं माइनस 20 बोल रहा हूँ तो किसी और के पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये माइनस 20 है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो डिफरेंस मैटर करता है, ओके। वन कन्वेंशनली सेट डब्ल्यू वन इक्वल टू जीरो सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल बिटवीन टू दैट पॉइंट, तो हम इन्फिनिटी पे जीरो मान लेंगे, इन्फिनिटी पोटेंशियल को कितना मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, क्यों मान लेंगे इन्फिनिटी पे जीरो, कुछ रीजन्स है इसके, कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि इन्फिनिटी जीरो मानने से क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ के सरफेस पे होगी, यहाँ पर तो इन्फिनिटी पे जीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगी, वो नेगेटिव में आएगी, है ना, देखो ना यहाँ पर इन्फिनिटी पे जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो से कम ही होगी पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ, तो माइनस 20 माइनस 30 इस तरह से आएगी, ओके। तो नेगेटिव वैल्यू से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू से समझ में आएगा कि जो बॉडीज़ है वो अर्थ से क्लोज है,
जितनी नेगेटिव वैल्यूज होगी अर्थ के क्लोज है, ओके। अब हर जगह आपको बताना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में कि कहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट सेट हो गया इन्फिनिटी पे, ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में भी हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे ज़ीरो मानते हैं, ओके। इसके बाद वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्सेज ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्सेज जो होते हैं वो मास के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को सिंपली मास से डिवाइड कर दो। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ये बॉडी है, ये अर्थ है, यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में बोल रहा हूँ 20 है, ठीक है। कोई और बॉडी होती तो कितनी होती है उसकी, हो सकता है 30 होती, कोई और बॉडी होती तो 40 होती। तो अलग अलग बॉडी की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है सेम पॉइंट पे। मैं पता करना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपली इनके मास से डिवाइड कर दो, इनके मास से डिवाइड कर, जो भी मास है इनका, ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिट मास की, है ना, यूनिट मास की, एक मास की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि फिर मास से मास फैक्टर हट गया वहाँ से, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे आप सब्जी लेने, वेजिटेबल लेने जा रहे हो, तो जो कॉस्ट तो बोला कितने, आप किसी एक ए पर्सन ने 30 के जी, एक ए पर्सन ने 200 रुपीज़ पे करे, एक ने 400, एक ने 600 उसी वेजिटेबल के, क्यों, क्योंकि उन्होंने अलग अलग केजीज लिए। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ रेट कितना है, किस सबसे मुझे किस भाव से बिकनी, तो एक का पूछूंगा ना, तो वही है पोटेंशियल, यूनिट मास का कितनी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज़ द पोटेंशियल। फ्रॉम द अर्लियर डिस्कशन वी लर्न द ग्रेविटी पोटेंशियल एसोसिएटेड विद टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस, है ना। तो ये हमने देखा था, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, बस सिंपली v = -gmm, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का देखा था हमने, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, और हमने इन्फिनिटी पे वी को जीरो माना, तब इसी इक्वेशन में देखो मैंने अभी बताया आपको ये इक्वेशन आई थी, तो यहाँ पर अगर क्या कर दिया इस पे r1 को इन्फिनिटी ले लिया और यहाँ पर पोटेंशियल जीरो मान ली, तो ये हट जाएगा, एंड वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, ओके। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या कर दो, सिंपली मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा उस पॉइंट पे। इट शुड बी नोटेड दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल हैव द टोटल पोटेंशियल दैट इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जीज फॉर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो देखो मतलब क्या, इसका ये एग्जांपल से भी समझाया, जैसे कि ये जो चार पार्टिकल के सिस्टम का अरेंजमेंट है ना, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल कितनी होगी, इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, फिर इन दोनों की वजह से, फिर इन दोनों की, ये दोनों की वजह से भी, इन तीनों की वजह से, मतलब इन इसके इसके वजह से, इसके इसके वजह से, सब पार्टिकल की इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम हो जाएगा, ठीक है। वो एग्जांपल में दिया इसको, ठीक है, मतलब और डिटेल में देख सकते हैं उसको, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन, ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये एक एप्लीकेशन है, है ना, कि जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, सम होगी इंडिविजुअल टू पार्टिकल्स एट अ टाइम, उनकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों की कितनी है, इन दोनों की, इनका सबका सम होगी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, ओके, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल से इस बात को क्लियर किया है, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है, उसके पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में ये पार्टिकल था, जब लाएंगे तो ये पार्टिकल लाएंगे, तब उसकी कोई पोटेंशियल नहीं होगी, क्योंकि वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इस पार्टी को लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल है, ओके। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। अब इसको लेके आएंगे तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। इसको लेके आएंगे तो इसकी वजह से, तो ये सब ऐड होके आएगा, ठीक है। आई होप कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। अगर क्लियर हुआ है, कोई डाउट है, कोई भी फीडबैक है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।